नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है विषय हिंदी कक्षा 11वीं 2020-21 वार्षिक परीक्षा का पेपर सॉल्यूशन। हमारे चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें। दो पार्ट में हम इस पेपर को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और सेकेंड पार्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर था। सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प दिए हैं। जैसे मीराबाई की भाषा मूलतः थी तो राजस्थानी थी। भारत शब्द किस भाषा का शब्द है तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है? तो लता मंगेशकर को कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, कोकिल कंठा और गज गामिनी के नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है? तो जैसे सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल, समाचार पत्र। तो ऑप्शन नंबर ग जो है मोबाइल इसका आंसर सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो वो रति है। अगला क्वेश्चन है, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कबीर भक्ति काल की धारा के कवि हैं तो निर्गुण के रिक्त स्थान दिया गया है। बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था मोहन। भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य रहा है तो वो वीणा। और यह गौतम और गांधी का देश है। रस के अंग हैं तो चार हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सत्य असत्य बताना है। जैसे कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, सत्य है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, सत्य है। कुई का व्यास कुएँ के व्यास के बराबर होता है, असत्य है। और डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है, सत्य है। यह चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयोग होता है तो असत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो सही जोड़ियां बनाना है। जैसे पहला है, आओ मिलकर बचाएं, तो ये निर्मला पुतुल। और रुमाली, तो ये रुमाली एक रोटी का प्रकार है। अगला है रामदीन, तो ये द्वंद्व समास है। और जो ऑप्शन नंबर फोर है तो इसका जो आंसर रहेगा वो लक्षणा रहेगा। और वह कहाँ गया ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। जैसे सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं तो छायावाद के। स्पीति किस जिले की तहसील है तो लाहौल की। और जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? समाजसेवी। जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको अभिधा कहते हैं। और पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, बाकी के ये जो आपके क्वेश्चन हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर को एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से लिखें। और इस साल कोरोना वायरस के कारण थोड़ी सी समस्याओं का स्टूडेंट को सामना करना पड़ रहा है और ओपन बुक पैटर्न में ही आपको एग्ज़ाम देनी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।